हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। डॉक्यूमेंटेड चीज़ों के बारे में आप सबने पढ़ लिया होगा, बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करने वाला हूँ। मैंने इस कार को परचेस किए हुए 3 वीक्स अराउंड हो चुके हैं एंड मैंने इसको अभी तक 600-700 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो उसके बेसिस में मैं आपको बताऊँगा इस कार के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। अगर बात करूँ इस कार की इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये कार 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है, जो कि आपको 88 bhp की पावर और 170 nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। बट ये तो रही इसकी डॉक्यूमेंटेड चीज़, रियल लाइफ में ये कार कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देती है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले चलते कार के अंदर एंड बाकी चीज़ें डिस्कस करते कार के अंदर जाके। ओके गाइस, तो आ गए हम कार के अंदर एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइव रिव्यू के बेसिस पे ये कार कैसी है। मेरे जितना ही मैंने इस कार को चलाया उस एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं आपको आज बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चीजें इस कार में पसंद आई हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ इसका, जो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इस कार में जो विजिबिलिटी आपको मिलती है। सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ये कार है। इस सेगमेंट की कार्स में ऑल्दो आपको सभी कार्स में एक अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, बट इसमें आपको वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है बिकॉज जिस पोजीशन पे आप इस कार में बैठते हो, अपराइट स्टांस है आपका इस कार में बैठते हो जब, तो काफी अच्छा व्यू मिलता है आपको पूरे डैशबोर्ड का, प्लस बोनेट के सारे एजेस आपको क्लियर दिखाई देते हैं। तो ड्राइविंग के टाइम पे एक अलग कॉन्फिडेंस देती है ये कार। जैसे कि ये वेरियंट जो मैं चला रहा हूँ, ये इसका बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाला वेरिएंट है, स्मार्ट प्लस वेरिएंट है। इस कार में आपको, इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल का फीचर नहीं मिलता, बट इसके बावजूद भी काफी अच्छा व्यू दिखता है आपको। बोनेट पूरा क्लियर दिखाई देता है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे आप कार ड्राइव करते हो, आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है जब भी आप इस कार को चलाते हो। तो ये पॉइंट तो मुझे बहुत पसंद आया इस कार का। सेकंड थिंग जो मेरे को इस कार में पसंद आई है वो है इस कार की हैंडलिंग। हैंडलिंग काफी बढ़िया है इस कार में एंड इससे पहले मैंने जो पंच चलाता था उसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी थी। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका। स्टेयरिंग फीडबैक बोलूँ तो बहुत अच्छा है इसका, जबरदस्त फीडबैक है। रोटेट होके अपनी जगह पे आता है इसका स्टेयरिंग। बाकी जैसे मेरे पास और भी ब्रांड्स में से मारुति जब चलाता हूँ तो मारुति में स्टेयरिंग के साथ इशू है, बट इसमें जो स्टेयरिंग है काफी अच्छा फीडबैक है उसका। काफी लाइट है, सिटी पर्पज से अगर आप इसको चलाओगे काफी लाइट है, एंड वहीं अगर आप इसको हाईवे में रन करोगे तो वहीं पे आपको स्टिफनेस देखने को मिलती है, जो कि आपको और एक्स्ट्रा कंट्रोल देता है और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है गाड़ी चलाते वक्त। तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत पसंद आया इस कार का। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो जो इस कार में मुझे अच्छा लगा पर्सनली वो है इसमें जो सस्पेंशन ट्यून किया गया है, बहुत अच्छा सस्पेंशन ट्यून किया गया है इस कार में। कितनी भी बम्पी रोड हो, कितनी भी खराब रोड हो, आपको वो फील नहीं होता। एक तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छी है, 208 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आती है। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस हो गया है पुरानी नेक्सॉन और इस नेक्सॉन में, बट फिर भी 208 मिलीमीटर भी बहुत होती है यार। और कितनी भी कैसी भी रोड्स पे आप इसको चलाओ, बहुत अच्छे सस्पेंशन ट्यून किए गए हैं, ना ज्यादा हार्ड साइड पे ना ज्यादा सॉफ्ट साइड पे, बहुत अच्छे सस्पेंशन ट्यून है इसके। आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, आप कैसी भी रोड कंडीशन पे इसको चला सकते हो। तो ये एक और पॉइंट है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस कार में। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, जो मुझे लगता है इस कार में वो है इसका सिटिंग कम्फर्ट। सिटिंग कम्फर्ट मुझे पर्सनली पसंद आया इस कार का, काफी अच्छा सिटिंग कम्फर्ट है। लॉन्ग राइड पे भी आप इस कार को लेके जाओ तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा प्रॉपर। आपके आगे सीट्स के में तो अच्छा आपको थाई सपोर्ट मिलता है, रियर सीट्स में भी काफी अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है आपको इस कार में। रिक्लाइन एंगल भी सीट्स का काफी अच्छा है रियर की बात करूँ तो कम्फर्ट वाइज भी नेक्सॉन काफी बढ़िया कार है। आपके घर में अगर कोई बड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, उन लोगों को भी काफी कंफर्टेबल सीट्स लगेंगी इसकी, काफी अच्छी कुशनिंग दी गई है सीट्स में। तो कंफर्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो कार काफी बढ़िया है। तो गाइस, ये कुछ पॉइंट हैं जो मुझे इस कार में अच्छे लग रहे हैं अभी तक जितना मैंने इसको चलाया है। बात करूं चलाने के वाइज, ये कार में जैसे आपको पता है 3 मोड्स आते हैं, सिटी, इको और आपका स्पोर्ट्स मोड्स। तो मोड्स के अकॉर्डिंग आपको फील होगा जो कार अपने पावर में चेंजेस कर रही है वो आपको फील होंगी। स्पोर्ट्स मोड जब भी आप इसका चलाओगे आपको वो अलग से जो पावर आ रही है वो आपको फील होगी। 2000 rpm से ऊपर इसका टर्बो किक इन होता है एंड जब इसका टर्बो किक इन होता है तो आपको वो पता चलता है। देखो, अगर ऑनेस्टली बताऊं और टर्बो कार के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको फील होगा कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बट फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देता है इसका टर्बो इंजन।
तो मुझे पर्सनली पसंद आया, जितनी परफॉर्मेंस मेरे को रिक्वायर्ड थी इस कार से मुझे मिल रही है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी मेरे को कोई इशू नहीं आया और मुझे अच्छी लगी परफॉर्मेंस वाइज भी ये कार। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, अब उस चीज़ों में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने पहले भी बताई है, आप लोग कितना एग्री करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो है, अभी भी कार में फिट एंड फिनिश का इशू है, पैनल गैप्स अभी भी हैं, जो कि हम पहले भी बहुत बार रेस कर चुके हैं, टाटा को इन चीज़ों में काम करना चाहिए। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताऊंगा जो मुझे अच्छी नहीं लगी, अगर आप बात करेंगे गियर शिफ्टिंग की, तो इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं है। जो लोग टाटा नेक्सॉन चला रहे हैं पहले की, मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है कि पहले की नेक्सॉन में भी इतनी स्मूथ गियर शिफ्ट नहीं था। अगर आप लोग में से कोई ओन करता है नेक्सॉन, वो अपना एक्सपीरियंस मुझे बता सकता है नीचे। बात करूं क्लच का, तो क्लच भी इतना लाइटर साइड नहीं है, ऑल्दो आप जब जब चलाते हो तो थोड़ा थोड़ा हो जाते हो उसके यूज टू, बट फिर भी इतना लाइटर साइड नहीं है। सिटी में आपको शायद थोड़ा सा सही ना लगे वो क्लच, बिकॉज ज़्यादा लाइट नहीं है क्लच, क्लच थोड़ा सा हार्डर साइड पे है, बट मेरे को पर्सनली इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट फिर भी कुछ लोगों को फील हो सकता है ये चीज़। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई है, वो जो इशू है वो इसके पिलर से रिलेटेड है। इसके जो ए पिलर है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्दो ये एक अच्छी चीज़ भी है, कार को थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, बट फिर भी ये चीज़ है अभी भी कार में। तो कई बार जो नए ड्राइवर्स हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, बिकॉज एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है ये पिलर। आप लोग एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट ये एक ऐसी चीज़ है ना, जिससे आप कार चलाओगे इसको तो आप धीरे धीरे इसके यूज टू हो जाओगे, आपको थोड़ा सा निकल के देखना पड़ेगा, बट ये चीज़ें हो जाएगी धीरे धीरे, आप इस चीज़ के लिए मैनेज कर लोगे इस चीज़ों को, बिकॉज धीरे धीरे जैसे अभी आप इसको ड्राइव करोगे आप इस चीज़ के लिए यूज टू होते रहोगे। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे सही नहीं लगा। उसके अलावा मैंने एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा इस बारे में, NVS लेवल के बारे में इसके, तो NVS लेवल से पर्सनली मुझे इतनी शिकायत नहीं है, बिकॉज आई नो ये 3 सिलेंडर कार है, तो इतना NVS लेवल एक्सपेक्टेड है जितना इसमें है, कितना है क्या नहीं है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के बताऊंगा कि कितना NVS लेवल अब इस कार में आपको देखने को मिलता है। बाकी इतनी तो शोरूम में इस चीज़ को लेके ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हो, बिकॉज मेरे को लेने से पहले भी पता था 3 सिलेंडर कार है, तो NVH लेवल मुझे थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा इस कार में। तो ये तो रहा पॉइंट मेरे, जो मैंने इसको चलाया उस बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। अगर आप एग्री करते हो मेरे इन पॉइंट्स में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं यार ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइक सही नहीं है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज इस चैनल में मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन सब मैटर करता है, तो अपने ओपिनियन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस। तो यही वीडियो थी यार, मैंने आप जितना भी थोड़ा बहुत चलाया उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बता रहा हूँ। तो गाइज इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर वैसे मैं नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।